अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ममाआर्थ का जो नया दो सीरम मार्केट पे अवेलेबल है कौन सा चूज करना है, तो गाइज इस वीडियो में मैं क्लियर कंपैरिजन शेयर करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो पाए कि दोनों में से विटामिन सी एंड स्किन प्लम इन दोनों में कौन सा आपके लिए बेस्ट एंड सही होगा। एंड गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही बहुत नया नया टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस लाती रहती हूँ और मेरी सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। तो चलिए जो डिटेल्स है पहले वो देख लेते हैं। गाइज मैंने ऑलरेडी स्किन इल्यूमिनेटे फेस सीरम रिव्यू है टेस्ट करके वो शेयर कर चुकी हूँ एंड ऑलमोस्ट आई गेस 1 month हो गया है मैं इसको यूज कर रही हूँ। और नया मैंने ये परचेस किया है स्किन प्लम फेस सीरम विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड रोजशिप ऑयल। तो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं विथ प्रोडक्ट एंड दोनों में ही हमें 30 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है, कॉस्ट है 599 रुपीज। अभी चलिए देखते हैं कि दोनों ने क्या क्लेम किया है। ऑब्वियसली दोनों अलग सीरम है, अलग अलग क्लेम किया होगा। जो स्किन प्लम फेस सीरम है यहाँ पे बोला गया है ये हाइड्रेट करता है स्किन को, रिफाइन करता है पोर्स को और फाइन लाइंस जो है उसको रिड्यूस करता है, लाइक एंटी एजिंग सीरम आप बोल सकते हैं। और जो विटामिन सी वाला सीरम है यहाँ पे बोला गया है ये हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, इसको रिड्यूस करता है, स्किन को ब्राइटर बनाता है, इल्यूमिनेटिंग बनाता है एंड फॉर्म बनाता है। नेक्स्ट गाइज दोनों में क्या क्या कॉम्पोनेंट यूज किया गया है। दोनों में ही गाइज क्लियरली इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन किया गया है और दोनों का अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखें तो अलग है, बहुत अलग है। बट जो मेन कॉम्पोनेंट यूज किया गया है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। जो स्किन प्लम फेस सीरम है यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड हमारे स्किन का जो मॉइस्चर बैलेंस है, हाइड्रेशन है, इसको बूस्ट करता है, एकदम बैलेंस रखता है। कोई भी स्किन टाइप चाहे ऑयली हो या ड्राई हो बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकता है। नेक्स्ट है गाइस रोजशिप ऑयल। रोजशिप ऑयल में विटामिन ए भी रहता है, विटामिन सी भी रहता है, ये भी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, कोई भी फाइन लाइंस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्किन में कोई भी स्पॉट है, अनइवन स्किन टोन है, इसको रिड्यूस करने में, स्किन को ब्राइटर बनाने में भी हेल्प करता है। इसमें ऑलिव एक्सट्रैक्ट है गाइस जो एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है एंड डिटॉक्सिफाई भी करता है। कोकोनट एक्सट्रैक्ट है जो हमारे पोर्स को रिफाइन करने में हेल्प करता है। अभी चलिए देखते हैं जो स्किन इल्यूमिनाटे फेस सीरम है विटामिन सी इसमें है मेन कॉम्पोनेंट। डार्क स्पॉट रिमूव करने में, स्किन को ब्राइटर बनाने में, यंगर लुकिंग बनाने में हेल्प करता है। एनवायरमेंट में गाइस फ्री रेडिकल्स होता है जो सन एक्सपोजर से हो सकता है एंड उससे भी विटामिन सी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है एंड उससे अगर कोई भी डैमेज हो उसको भी ये रिन्यू करने में हेल्प करता है। इसमें गाइस टर्मरिक है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, तो कोई भी एक्ने या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है, स्किन को ब्राइटर एंड ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करता है। एंड फाइनली गाइस इसमें स्क्वालेन रहता है, आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक कर रही हूँ, बट ऐसा ही कुछ स्क्वालेन बोल के कुछ है जो स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है एंड हाइड्रेशन को बूस्ट करता है। तो ये था गाइस मेन जो इंग्रेडिएंट से बना हुआ है एंड कंपनी ने जैसा क्लेम किया है, दोनों का पैकेजिंग आप देख सकते हो एकदम सिमिलर है, प्राइस भी इसका सिमिलर है। बट अभी चलिए देखते हैं टेक्स्ट। फर्स्ट मैं स्किन प्लम जो सीरम है इसको अपने हैंड के ऊपर ले रही हूँ। आप देख सकते हो ये क्रीम फॉर्मेट पे आता है और जो विटामिन सी वाला है एकदम सेम टाइप ऑफ टेक्सचर है। दोनों का जो स्मेल है गाइस जो विटामिन सी वाला है वो साइट्रिक है और जो हाइलुरोनिक एसिड वाला है वो थोड़ा सा फ्लावरी स्मेल है। अभी गाइस आप देख सकते हो थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी है ये वाला हाइलुरोनिक एसिड वाला है। ये क्रीम थोड़ा सा थिक है देन दिस क्रीम, ये जब हम स्प्रेड करते हैं तो एकदम ही जेल जैसा फॉर्मेट पे आता है, बट जो हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम है ये जेल जैसा नहीं है, ये थिक क्रीम जैसा है। और जो हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम है ये बहुत जल्दी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, लाइट वेट है और
उसके साथ साथ गाइस जो विटामिन सी वाला है ये थोड़ा सा वाटरी काइंड ऑफ फील होता है, उसका अब्सॉर्ब होने में भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है देन जो हाइलुरोनिक एसिड वाला सीरम है। अभी गाइस दोनों को यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए फेस को वॉश करना है फेस वॉश से। उसके बाद गाइस अगर आप टोनर यूज करते हो तो टोनर से अपने फेस को वाइप ऑफ कर लीजिए एंड नेक्स्ट ये जो सीरम है इसका अप्लाई कर सकते हैं बिफोर मॉइस्चराइजर। गाइस यहाँ पे मैंने अपने फेस पे हाफ अप करके जो दोनों प्रोडक्ट है उसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए इसका जो रिजल्ट है कैसा रिजल्ट ये देता है। तो दोनों ही बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, कोई भी ऑयलीनेस ग्रीजीनेस चिपचिपाहट कुछ भी नहीं रहता है और आप देख सकते हो इसका जो ग्लो है या कुछ भी है वो सेम देता है दोनों ही। प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद गाइस आपको मॉइस्चराइजर का यूज़ ज़रूर करना है एंड उसके बाद डे टाइम है तो सनस्क्रीन भी अप्लाई करना मत भूलिए। अभी ये दोनों सीरम गाइस कितनी बार आप यूज कर सकते हो दिन में, तो दोनों ही दिन में दो बार यूज कर सकते हैं मॉर्निंग स्किन केयर एंड नाइट स्किन केयर के साथ बिफोर मॉइस्चराइजर आफ्टर टोनर या फेस वॉश। और गाइस ये फेशियल सीरम है कोई मॉइस्चराइजर नहीं है, तो आपको 100% इसको यूज करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजर का यूज करना है। रिकमेंडेड है ऑयल फ्री कोई मॉइस्चराइजर आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का यूज किया और ये बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देता है। मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद गाइस आपको 100% सनस्क्रीन का यूज करना है डे टाइम पे, नहीं तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर लो कुछ भी इफेक्टिवनेस आपको नहीं मिलेगा। ये सनस्क्रीन हमें सन डैमेज के हाथ से बचाता है और मैं ऑलवेज रिकमेंड करती हूँ SPF 50 PA ट्रिपल प्लस जो सनस्क्रीन है ऐसा कुछ आप यूज करो। नाउ गाइस दोनों को मैंने काफी टाइम तक यूज कर लिया है एंड क्या फील मुझे हो रहा है इसको यूज करने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी दोनों का जो रिजल्ट है वो मुझे एकदम सेम फील होता है, एकदम सेम। इनफैक्ट जो हाइड्रेशन लेवल है दोनों का ही सेम है, हालांकि यहाँ पे जो स्किन प्लम है ये थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रेटिंग होना चाहिए था बट ऐसा मुझे फील नहीं हुआ है। विटामिन सी का जो सीरम है और स्किन प्लम जो है दोनों का हाइड्रेशन लेवल मुझे सेम लगा है। अगर आप विंटर टाइम पे ये सीरम यूज कर रहे थे इसके बाद आपको जरूर मॉइस्चराइजर चाहिए, बट हाँ अगर आप समर टाइम पे है बहुत ऑयली फेस है दैट टाइम मॉइस्चराइजर को आप अवॉइड कर सकते हैं बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सेकेंड गाइस इसका जो आफ्टर फिनिश है लाइक स्किन इल्यूमिनेटर जैसा बोला है, ये लगाने के बाद स्किन ग्लोइंग ब्राइटर बन जाता है बट मुझे दोनों को यूज करने के बाद जो स्किन का फिनिश है इतनी सेम फील हुआ है। बट यहाँ पे गाइस एक बात जरूर है जो विटामिन सी वाला सीरम है इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा टाइम ये लेता है अब्सॉर्ब होने में एंड उसके बाद जो फील है जब आप इसको स्किन पे टच करते हो ये बहुत ही सिल्की फील होता है, बट जो स्किन प्लम वाला फेस सीरम है इसको टच करने से आपको मॉइस्चराइज्ड हाइड्रेटेड स्किन फील होगा बट ऐसा सिल्की स्मूथ फील नहीं होगा जैसा कि ये फील करवाता है। नेक्स्ट गाइस दोनों ही प्रोडक्ट अलग अलग कंपोनेंट से बने हुए हैं और ये अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग पर्सन पे अलग अलग रिजल्ट दे सकता है, तो ये डिपेंड अपॉन कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन कैसा रिजल्ट आपको मिले। बट हाँ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें चाहे विटामिन सी वाला हो या स्किन प्लम वाला रेगुलरली यूज विथ योर प्रॉपर स्किन केयर तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, बिकॉज मैं यूज कर रही हूँ और ये स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। अभी गाइस दोनों में कौन सा चूज करें आप, अगर आपके स्किन में दाग पिगमेंटेशन ये ज्यादा है स्किन डल ज्यादा है तो विटामिन सी वाला आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि ये डार्क स्पॉट हाइपर पिगमेंटेशन इसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। चाहे आपका एज कोई भी हो, आप 20 इयर्स हो सकते हैं 25 30 35 कोई भी एज हो, बट अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने का मार्क्स है पिगमेंटेशन है कुछ भी प्रॉब्लम है स्किन बहुत ज्यादा डल नजर आता है तो विटामिन सी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। और जो स्किन प्लम फेस सीरम है ये अगर आपके स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं चाहे कोई भी एज ग्रुप में आप हो क्योंकि एजिंग का जो प्रोसेस है गाइस वो 20s में ही स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आप इसको यूज करते हो 20s में भी तो भी ये बहुत अच्छा हेल्प आपको कर सकता है, एजिंग का जो प्रोसेस है उसको डिले कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड है जो मॉइस्चर को बैलेंस करेगा आपके स्किन का
और रोजशिप ऑयल है जो हाइड्रेट करेगा स्किन को, इनको ब्राइटर बनाने में, ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करेगा। तो दोनों ही प्रोडक्ट कोई भी एज ग्रुप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है 15 इयर्स प्लस होना चाहिए ये प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि गाइस पैराबीन सिलिकॉन से फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो सेंसिटिव स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सभी स्किन टाइप के लिए अच्छा होगा। हाँ, बट रिजल्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली वेरी करता है। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपके ऊपर बेस्ट काम करे, तो स्किन केयर रेजीम, मॉर्निंग का क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड जो सनस्क्रीन है उसको अप्लाई कीजिए। इन बिटवीन टोनिंग के बाद आप इसको इंक्लूड कीजिए एंड नाइट टाइम पे जो क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजेशन करना है, इन बिटवीन आप ये सीरम को यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।